तो अभी एक आसुस का लैपटॉप आया है, ये राइजन सीरीज का है और इनमें इनबिल्ट ग्राफिक्स भी है। और इसका मॉडल जो है आसुस F570Z, ये थोड़ा अनकॉमन मॉडल है। इसका थोड़ा प्रोडक्ट नाम ऑनलाइन में ऐसा कुछ बात है, क्योंकि इसका कीबोर्ड में वगैरह लाइट वगैरह बहुत सारे फंक्शन है इसकी लैपटॉप में। और इसका प्रॉब्लम था कीबोर्ड में कंटिन्यूस ऑटो वर्किंग करना है, दूसरा काम नहीं करने दे रहा है। और इसका कोई कॉमन प्रॉब्लम होता है कि ये डेड हो जाता है, और डेड होने के कारण जो है इसका पावर बटन वर्क नहीं करता है। यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है और यहाँ पे ब्रांड नेम है। और इसका देखिए ये में स्टार पे देखिए कुछ गिरा है, तो ये सॉलिड है, ऐसा नहीं कि बटन जो प्रेस करता है ना ये नहीं है, ये सॉलिड है। और अगर इंटरनल कीबोर्ड में क्या होता है कि अगर कोई भी बटन शॉर्ट हो जाता है ना, तो आपको काम करने नहीं देगा, हैंगिंग करेगा, ये टच जो होता है ये भी वर्क नहीं करेगा। जब तक उसका शॉर्टिंग नहीं रिमूव होगा तब तक ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और भी एक प्रॉब्लम होता है कि अगर ये पावर बटन, गौर से देखिएगा, ये जो पावर बटन है, पावर स्विच वाला बटन, ये अगर ख़राब हो जाता है या वर्क नहीं करता है तो आपका लैपटॉप समझो डेड, ठीक है। क्योंकि ये बटन वर्क नहीं करेगा तो लैपटॉप आपका वर्क नहीं करेगा, पावर बटन प्रेस नहीं कर, शॉर्टिंग नहीं होगा तो ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो इंटरनल जो कीबोर्ड होता है उसको आपको ध्यान में रखना है। जो भी लैपटॉप लो, अगर नया परचेस करना चाहते हो, तो कीबोर्ड में पावर बटन कभी मत लो, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जितने 2 लाख 4 लाख का कोई भी लैपटॉप ले लो या 10,000 का ही ले लो, तो कीबोर्ड में इंटरनल पावर बटन नहीं लेना। अगर कीबोर्ड ख़राब हो जाता है, अगर नहीं मिलता है तो आपको ऑन करना है, तो आपका इधर उधर कीबोर्ड होगा, मतलब पावर बटन होगा, तो आप ऑन इजीली कर सकते हो। लेकिन इंटरनल कीबोर्ड में अगर पावर बटन है, अगर कीबोर्ड नहीं मिल रहा है, तो लैपटॉप ऑन करना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई इंजीनियर के पास जाओगे तो वो तो तरीका दे देगा, ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि शॉर्टिंग वगैरह करके उसको ऑन करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, नया लैपटॉप लेना है तो पावर बटन कीबोर्ड में मत लो, दूसरा सेक्शन में कोई भी जगह ले लो, साइड पे, ऊपर पे, कहीं पे ले लो, लेकिन कीबोर्ड में ऐसा मत लो, ठीक है। लेकिन तो इसका शॉर्टिंग की वजह से आप लैपटॉप टिकट भी नहीं कर पाओगे। तो अभी इसका मैंने ऑर्डर किया था, तो कीबोर्ड ऑलरेडी मेरे पास है, और अभी इसका कीबोर्ड को मैं अभी रिप्लेस करूँगा, तो आपको देखेंगे, दिखाऊँगा कि कैसे इसका कीबोर्ड को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो इसका जो पन्नी था ये यहाँ पे, इसको मैंने रिमूव किया, और यहाँ पे देखो मेटल बॉडी है एलुमिनियम का, इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद इसका जो लाइट का सेक्शन है इसका भी रिमूव करेंगे, फिर जाएगा कीबोर्ड। और मेरे पास ये रहा इसका कीबोर्ड सेम, तो स्टेप बाय स्टेप जितने सारे लॉक है इसको पकड़ बाहर करते हैं। पूरा कीबोर्ड का हाल क्या है, और ये रहा इसका कीबोर्ड था, और यहाँ पे एक नया कीबोर्ड। तो अभी इसको जैसे ही लॉक ओपन किया था, अभी सेम पोजीशन में लॉक यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। कीबोर्ड को अच्छे तरीके से पैक कर दिया हूँ, और अभी इसका जो जो पार्ट्स है अभी स्टेप बाय स्टेप सबको लगाएंगे, लगाने के बाद चेक करेंगे। अभी देखो पूरा कीबोर्ड फिट हो गया है अच्छी तरीके से पूरा, अभी लैपटॉप अंदर है, ऑन है, अभी इसको लगाएंगे, लगाने के बाद एक बार चेक करेंगे, ठीक है। पूरा कीबोर्ड पूरा फिट हो गया है, और विंडोज भी बहुत तरह के ऑन हो गया और काम भी कर रहा है, ओके। तो वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।